स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन प्रोड्यूसर और एक्टर सुरेश ओबेरॉय सर जी के फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूवर्स इनकी एक्टिंग की टॉप मूवीज रही हैं तेजाब जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, अनारी इनकी सुपर हिट मूवी साबित हुई, राजा हिंदुस्तानी इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। वर्ष 1988 में इनकी मूवी आई थी तेजाब, इसमें अनिल कपूर, चंकी पांडे, सुरेश ओबेरॉय और किरण कुमार देखने को मिले। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी शूरवीर, इसमें राजन सिप्पी, मंदाकिनी, दीप तनवाल, सुरेश ओबेरॉय, कादर खान और डैनी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1988 में मुलजिम, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मोहब्बत के दुश्मन, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था खून बहा गंगा में। अगली मूवी आई थी इसी साल में काल जिसका नाम था कालचक्र, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी धर्मयुद्ध, इसमें सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, सुरेश ओबेरॉय, प्राण और नसीरुद्दीन शाह लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1989 में आई थी तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसका डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया। अगली मूवी आई थी इसी साल में रखवाला, इस मूवी को रिवर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था परिंदा, इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मुजरिम, ये मूवी बॉक्स ऑफिस सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी कसम सुहाग की, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था दाता, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था दो कैदी, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था अपना देश पराए लोग, इस मूवी को व्यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था आखिरी मुकाबला, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1990 में जिसका नाम था सैलाब, व्यूवर्स अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था पंचवटी, इसका डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था काली गंगा, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था हालात, इसका भी डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया। अगली मूवी आई थी इसी साल में सीआईडी, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में आज का अर्जुन 1990 में, इसमें अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, सुरेश ओबेरॉय, अनुपम खेर, अमरीश पुरी, किरण कुमार थे। ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली 1991 में आई थी साधु संत, इसका भी डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया, व्यूअर्स ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई थी। अगली 1991 में आई थी प्यार का देवता, इसमें मिथुन चक्रवर्ती, सुरेश ओबेरॉय, शक्ति कपूर थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली 1991 में आई थी नंबरी आदमी, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली में इसी साल में आई थी कसम काली की, इस मूवी को का डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया। अगली में इसी साल में आई थी जीने की सजा, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली में इसी साल में आई थी जान की कसम, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था इरादा, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी इसका नाम था इंस्पेक्टर धनुष, इसका भी डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया। अगली मूवी आई थी इसी साल में इसका नाम था फतेह, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1991 में आई थी जिसका नाम था देशवासी, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी दस्तूर, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1992 में आई थी जिसका नाम था अभी अभी, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1992 में आई थी जिंदगी एक जुआ, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1992 में आई थी तिरंगा, इस मूवी को यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी किसमें कितना है दम, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1992 में आई थी इंदिरा, ये तमिल भाषा की मूवी थी। यूवर्स अगली मूवी आई थी 1992 में दिल का क्या कसूर, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी अपराधी, इस मूवी को यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1993 में संतान, इस मूवी को रिवर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी परदेसी, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1993 में आई थी सिंदूर खून का सिंदूर, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था गर्दिश, इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था गेम, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में धरती पुत्र, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी इसका नाम था अनारी, इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी आंसू बने अंगारे,
ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली 1994 में आई थी विजय पथ। इस मूवी को इस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी सुहाग। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी क्रांति क्षेत्र। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी गोपी किशन। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी दिलबर। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली 1995 में आई थी सुरक्षा। इस मूवी को यूरोस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी रघुवीर। ये मूवी बॉक्स ऑफिस ब्लोवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी मेरी मोहब्बत मेरा नसीबा। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी किस्मत। इस मूवी को यूरोस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जैविक क्रांता। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी दिया और तूफान। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी अनोखी चाल। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1996 में आई थी राजा हिंदुस्तानी। इसमें आमिर खान, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय, जॉनी लीवर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को यूरोस बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली 1996 में आई थी मासूम। इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था जान। ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी हिम्मत। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लोवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था अजय। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली 1997 में आई थी जिसका नाम था सूरज। इस व्यूवर्स ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी इसका नाम था पृथ्वी। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी कौन सच्चा कौन झूठा। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी लहू के दो रंग। ये मूवी व्यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली 1998 में आई थी इसका नाम था सोल्जर। इस मूवी को व्यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में खोटे सिक्के। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी इसका नाम था आक्रोश। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में 2001। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1999 में आई थी सौतेला। इस मूवी को यूरोस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी सफारी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 2000 में आई थी इसका नाम था खौफ। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। तो व्यूवर्स ये सुरेश ओबेरॉय जी की 1988 से 2000 तक एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो।